पुलिस के हाथों एक ऐसा बदमाश लगा है जो खुद को आर्मी में मेजर बताकर लोगों पर रोब झाड़ता था और अपने प्रभाव में आने वाले युवक युवतियों को आर्मी कैंटीन से सस्ता सामान दिलाने का नाम पर ठगी करता था। यह ठग पहले भी ठगी के मामले में थाना बाणगंगा इंदौर द्वारा पकड़ा जा चुका है। देवास पुलिस एएसपी अनिल सिंह राठौर ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि चंदेरी अशोक नगर निवासी शुभम पिता श्री राम स्वरूप चतुर्वेदी के खिलाफ शहर के नितिन ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शुभम सेना की वर्दी में हमारे होटल नितिन लॉज में 2 माह पहले रात को खाना खाने आता था और खुद को आर्मी मेजर विहान सिंह शेरगिल बताता था। बातचीत में उसने मुझसे दोस्ती की और कैंटीन से एक लैपटॉप सस्ते में दिलाने के नाम पर 20,000 रुपए ले लिए। 1 माह तक जब लैपटॉप नहीं मिला तो मैंने उसे फोन किया, जिस पर उसने फिर से 5,000 की मांग की। फरियादी नितिन को शंका होने पर शुभम को पैसे देने के नाम पर देवास बुलवाया और पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने उसे पकड़ा तो ठगी की अनेक वारदातें सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी शुभम सेना की वर्दी पहनकर खुद की उरी को मैनेजर विहान सिंह शेरगिल बताता था और सोशल मीडिया पर अपने फोटो डालकर युवक युवतियों से दोस्ती करता था। उसके जाल इंदौर, देवास, रतनाम, उज्जैन, विदेशी जयपुर की कई लड़कियां थी जिन्हें आर्मी कैंटीन से सस्ता सामान दिलाने के नाम पर वह ठगी करता रहता था। 15 से अधिक लड़कियों से उसने लगभग 15 लाख से अधिक की ठगी की है। इसका भाई ग्रेटर कैलाश इंदौर में कार्यरत है और यह भी खुद को पहले सुपरवाइजर होना बताता था। देवास थाना नाहर दरवाजे ने नितिन ठाकुर की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना नाहर दरवाजा में रिपोर्ट ये थी कि शुभम उर्फ विहान सिंह शेरगिल पिता रामस्वरूप चतुर्वेदी निवासी चंदेरी जिला अशोकनगर के द्वारा मिलिट्री का मेजर बनकर ठगी करने का आरोप की रिपोर्ट पे उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। देवास में नितिन लाल नितिन से 20,000 रुपये का कैंटीन का सामान दिलाने के लिए 20,000 रुपये इसने मेजर बन के लिए थे, तो 5,000 रुपये और लेने के लिए जब यह आया तब रंगे हाथों पकड़ा गया था। आरोपी इसके पहले इसी साल क्राइम ब्रांच इंदौर और बाणगंगा थाना में भी इसके विरुद्ध 419 और 420 का फर्जी मिलिट्री का मेजर बनने का केस दर्ज हुआ था। उसमें 1.5 माह जेल भी रहा था। उसके बाद जेल से छूटने के बाद पुनः इसी तरह की वारदात करता रहा। इसके द्वारा जेल से छूटने के बाद देवास, इंदौर, भोपाल, दिलवासोदा, जयपुर, आगरा, जगह जगह व्हाट्सएप के माध्यम से कई लड़कियों से और कई लोगों से कई को कोचिंग में कंसेशन दिलाने के नाम पे, मिलिट्री के नाम पे, मिलिट्री में नौकरी दिलाने के नाम पे या सामान दिलाने के नाम पे और शादी करने के भी कई लड़कियों को, महिलाओं को उसने लालच दिया। इस तरह की कई हमको उसमें मिले हैं, इसके व्हाट्सएप मोबाइल पर जांच की जाएगी और जहां संपर्क है उन लोगों को भी बताया जाएगा। मंत्री केवल आर्य पुलिस हिरासत में है, इसका पुलिस रिमांड लिया जाकर सारी बातों की तस्दीक और की जाए। सर, प्राथमिक दृष्टि में अभी पुलिस पूछताछ में क्या आया, कितने लोगों से ठगी करी और करीबन कितने लाख की जो है भी आया? करीब 14-15 लोगों से इससे पूछताछ में ये बात स्वीकारी, जिसको टेली व्हाट्सएप से भी हुआ है, जिसमें करीब 4 से 5 लाख रुपये इसने पिछले 6-8 माह में लोगों से ले लिए हैं। किसी से 10, किसी से 20, किसी से 25, किसी से 15, किसी से 5, इस तरह के लिए हैं। वो वापस कॉलिंग कर रहे हैं तो सबको इधर से उधर ये झूठ बोल बोल के और आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे वाले इसको कॉल कर रहे हैं, वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। इस तरह काम इसका लगातार चल रहा है। इसका भाई ग्रेटर कैलाश में सुपरवाइज़र था, ये उसके पास रहता था इंदौर में और वहीं से आइडिया और अमेजान में इसने कुछ दिन काम किया। पिछले 7 माह से बेरोजगार था, JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।